नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितारगंज टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। जी हां, रामनगर में नव वर्ष व क्रिसमस को लेकर कॉर्बेट के सभी जोन फुल हो चुके हैं, साथ ही कॉर्बेट के आसपास रिसोर्ट भी लगभग पैक हो चुके हैं, जिससे पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। आपको बता दें, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वन्य जीवों का दीदार करने के लिए पर्यटकों में खासा क्रेज देखा जाता है। कॉर्बेट पार्क के जंगलों में जैव विविधता को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां आकर रामनगर पहुंचते हैं, इसीलिए पर्यटक छुट्टी मिलते ही कॉर्बेट का रुख करते हैं। अब न्यू ईयर के समय और इस समय जो ठंड बढ़ रही है, उसके कारण कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का प्रोटेक्शन जो प्रोटोकॉल है उसको भी इन्हांस किया जा रहा है। इस समय थोड़ा सा अवैध पातन और अवैध शिकार की घटनाओं में थोड़ी बढ़ोतरी होने के चांसेस रहते हैं, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए जो भी हमारी पेट्रोलिंग टीम्स हैं उनको लगातार इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो भी सेंट्रल एजेंसी से हमारे पास अलर्ट आए हैं उस पर भी कार्रवाई करते हुए सभी जो हमारे प्रोटेक्शन के मेजर्स हैं उनको लिए जा रहे हैं। हमारे ड्रोन सिस्टम, हमारा जो EI सर्विलेंस सिस्टम है, इन सब को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। इसके अलावा जो टूरिज़्म के एक्टिविटीज़ हैं उसको लेकर भी जो 31 दिसंबर तक की बुकिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट फुल हैं, डे विजिट हैं या नाइट स्टे हैं, तो टूरिस्ट को भी कोई दिक्कत ना हो और टूरिस्ट के कारण वाइल्ड एनिमल्स को भी कोई दिक्कत ना हो, और साथ ही साथ जो किसी तरह का अवैध कोई घटना ना हो उसको भी लगातार इन सब को के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जो अभी हॉलीडेज स्टार्ट होने वाले हैं उसके संबंध में जो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम है वो ऑलमोस्ट फुल है। जो भी नाइट स्टे और डे विजिट के ऑनलाइन के अवेलेबल स्लॉट्स हैं, खास करके नाइट स्टे के, वो सारे के सारे फुल हैं 31 दिसंबर तक। संजय कसल फ्रॉम नमा जनरल मैनेजर। सो हम लोग क्रिसमस और न्यू ईयर पर हर साल अच्छा ही प्लान प्रोग्राम्स करते हैं। इस बार इंटरेस्ट लेवल अच्छा है। क्रिसमस नॉर्मली इतना बिजी नहीं होता, लेकिन इस साल क्रिसमस तो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। न्यू ईयर भी सारे क्वेरीज अभी तक डन हो गए हैं जहाँ तक लग रहा है। मतलब मैं केवल अपने रिजॉर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्ट लेवल कॉर्बेट की बात कर रहा हूँ। कॉर्बेट में लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ा है, बिकॉज कोविड की वजह से हर कोई अपने घर से ड्राइवेबल डिस्टेंस के जितने डेस्टिनेशन है वहाँ पे जा रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रैवल बंद है, राइट सर, और बहुत लंबे टूर्स भी नहीं करना चाहते लोग, तो उस हिसाब से कॉर्बेट भी अच्छा चल रहा है और हमारे बुकिंग्स भी ठीक हैं। ये बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि गत कुछ समय से जो है हमारे पर्यटन व्यवसाय पर जो है कोविड का बहुत बुरा असर पड़ा था, और खास तौर से जो पर्यटन के जो पीक सीजन होता है वो चाहे क्रिसमस न्यू ईयर हो या फिर गर्मियों की छुट्टियां हो, तो उस समय कोविड की वजह से पर्यटन गतिविधियां ठप हो गई थी। लेकिन इस वर्ष यह अच्छा है कि टीकाकरण के बाद लगभग ये जो नव वर्ष का सीजन है ये पूरी तरह से पैक चल रहा है। इससे सभी पर्यटन कारोबारी और इससे जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो सब अपने रोजगार को लेकर खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे सीजन और इसी तरीके से जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए सितारगंज टीवी। नमस्कार।